बहन होगी तेरी, ये एक नॉर्मल सा जुमला है जो कि दिल्ली में यूज़ किया जाता है। इसी जुमले पर एक मूवी बनी है जिसे मेन लीड कर रही हैं श्रुति हसन। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस मूवी का टाइटल का मतलब। हाय, तो हाय, तो आपकी मूवी है बहन होगी तेरी, इसके टाइटल का मतलब आप बताइए मुझे। देखिए, बहन होगी तेरी जो है इट्स अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, आपने ज़रूर सुना होगा। तो इट्स अ टाइटल दैट गोज़ वेरी वेल विद द स्टोरी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब आप पिक्चर देखेंगे आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी एप्ट एज अ टाइटल। तो आपका किस तरीके का रोल है इस मूवी में? बिन्नी जो है वो एक रियल लाइफ पर्सन पे बेस्ड जो बेस्ड है, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी बहन के लाइफ और सिचुएशन और उस उनके पर्सनालिटी पर बेस किया गया है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट्स नॉट ऑफन कि हमें एक रियल लाइफ रेफरेंस मिलता है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बिन्नी एज अ कैरेक्टर हमारे पिक्चर में वो उसमें बहुत डिफरेंट कलर्स आप कह सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, वो सॉफ्ट भी है, फेमिनिन है बट टॉमबॉयश भी है, टफ है, सीधा बोलती है बट कुछ ऐसी बातें वो जो अपने मन में रखती हैं। और आई थिंक ऑल ऑफ अस, यू एज अ गर्ल आई एम श्योर विल रिलेट टू इट टू। तो शूटिंग के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, सिर्फ ठंड थी लखनऊ में, बहुत ठंड। तो नए नए लोगों से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मिले आप? बहुत अच्छा टीम था, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग विद राजकुमार राव बहुत अच्छा था, सब जानते कि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया बिकॉज वो अपने काम से बहुत कमिटेड हैं और उन्होंने बहुत टीम वर्क के साथ काम किया। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, एक छोटा टीम था और हमने एक फैमिली की तरह पिक्चर बनाए विद कम्प्लीट टीम वर्क, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप दर्शकों से क्या अपील करनी चाहेंगे कि क्यों देखें इस मूवी को? मुझे लगता है कि एक ऐसा पिक्चर है जो आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, एज ग्रुप के सार जो आपके फैमिली में सारे एज ग्रुप के मेंबर्स एंजॉय कर सकते हैं बिकॉज इतने कैरेक्टर्स हैं फिल्म में जो कि सारे लोग जो देखने जाते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। और इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, तो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। थैंक यू।